और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद का एक लड़का गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं। श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत परशुरामपुर बड़का नौसारा गांव में जहां का रहने वाला 22 वर्षीय दीपू कुमार पुत्र बच्चा राम, जो कि गुजरात में परागपुर थाना अंतर्गत मुद्रा कच्छ इलाके में दिल्ली दरबार ढाबा है, वहां पर काम करता था। जानकारी मिली है कि वहां से 7 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। और आज आपको बता दें कि आज 12 जुलाई है, अभी तक युवक का कहीं से कुछ पता नहीं चला है। ये लड़का श्रावस्ती का रहने वाला है। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए सीधा उनके घर पर लेकर चलते हैं। और एक और जानकारी मिली है कि इस लड़के को दिल्ली दरबार ढाबा पर करीब 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी और उसके बाद में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं पर लापता हो गया। अब परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। परिवार के लोग जो गुजरात में हैं मुद्रा कच्छ इलाके में, वहाँ पर उसकी तलाश कर रहे हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये दीपू कुमार की बहन है जिनका रो कर के बुरा हाल है। दीपू कुमार की माता नहीं है, बहन है और 3 भाई हैं। दो एक भाई यहाँ पर है श्रावस्ती में और बाकी लोग वहाँ गुजरात में तलाश कर रहे हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दीपू कुमार का पता लगाया जा सके। घर के सदस्य काफ़ी परेशान हैं। जो कोई व्यक्ति दीपू कुमार का पता बताएगा, परिवार के लोग उसे उचित इनाम भी देंगे। और गुजरात में आपको बता दें, परागपुर थाना लगता है, मुद्रा कच्छ इलाका है, क्षेत्र है, जहाँ दिल्ली दरबार एक ढाबा है, उसी ढाबे पर काम करता था। और एक लोगों ने ये जानकारी दी है कि उसे 4-5 महीने का तनख्वाह नहीं मिला था और उसके बाद में वो अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो जाता है। उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उसकी तस्वीर हम आप शेयर कर रहे हैं, इसकी तस्वीर को यानी इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनका पता लगाने में आप लोग हमारी मदद करें। तो ये जो दीपू कुमार है, इसकी बहन हमारे साथ में है और देखिए इनका रो रो करके बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और जब से इनके भाई का पता नहीं चला है तब से ये रो रही हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनको अपने बताया है रोने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़का सकुशल घर आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मदद करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और तलाश करने में हमारी मदद करवाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका जी? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? सुनीता। सुनीता, बताओ आपका भाई 3-4 दिन से लापता है, हाथ हटाइए जरा। 3-4 दिन से आपका भाई लापता है। हाँ। बहुत सारे लोग आपको न्यूज चैनल में देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? जो कहना चाहती हैं बताइए। मिल जाए। अच्छा। हाँ। कितनी बहन हैं आप लोग? दो। और भाई कितने हैं? 4। तो ये दीपू कुमार की बहन और इनकी माता नहीं है क्या भैया? दीपू कुमार की माता नहीं है, बहन है। तो माता नहीं है, माता 8-10 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है और स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़के की तलाश है, आप लोग मदद कीजिए घर वालों की। तो ये जो दीपू कुमार है, ये 7 जुलाई को गुजरात के दिल्ली दरबार ढाबा से गायब हो गया। इनके 2 भाई वहाँ पर हैं, 2 भाई तलाश कर रहे हैं लेकिन इस लड़के का कहीं से पता नहीं चल रहा है। स्क्रीन पर आप जिस लड़के की तस्वीर देख रहे हैं, इसको गौर से देख लीजिए। गुजरात में जितने मेरे फॉलोअर हैं उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि दोस्तों, परागपुर थाना लगता है, मुद्रा कच्छ इलाका है, वहाँ का दिल्ली दरबार ढाबा है जहाँ से ये दीपू कुमार गायब हुआ है। ये हमारे श्रावस्ती का लड़का है और इनके परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनके घर के सदस्य इस वक्त मेरे साथ में हैं, पीछे आप देख सकते हैं ये बच्चा राम है, इनके दीपू कुमार के पिता हैं और दीपू कुमार के 2 भाई और इनके कुछ नातेदार रिश्तेदार जो वहाँ इस वक्त गुजरात में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा तलाश किया गया है। 7 जुलाई को गायब हुआ है और आज तारीख आपको बता दें 11 जुलाई है और अभी तक कहीं से दीपू कुमार का पता नहीं चला है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कोई व्यक्ति दीपू कुमार का पता बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। नीचे मोबाइल नंबर हमने लिख दिया है, इस मोबाइल नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। इसमें से कुछ मोबाइल नंबर है जो गुजरात में इनके भाइयों का है, अगर आप लोग कहीं भी देखें दीपू कुमार को। और इनके घर वालों ने जानकारी दी है कि उसके पास में जो मोबाइल था उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ये लड़का मानसिक संतुलन इसका पूरी तरीके से सही है, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह किया करता था लेकिन जब से गायब हुआ है, जब से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है, तब से कोई जानकारी उसके बारे में नहीं मिल पाई है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके घर वालों को इनके घर वालों से बात करवाता हूँ और थोड़ा जानकारी इनसे लेते हैं। इधर आओ दादा, एक मिनट, इधर इधर आओ, बस चालू करो।
क्या नाम है दादा आपके? बच्चा राम। कितने लड़के हैं आपके? चार लड़के। ये जो लड़का आपका दीपू है, कितने साल का है? 22 साल के हुए। अच्छा, क्या करने के लिए गया था? क्या जानकारी आपको गुजरात से मिली है बताइए। वो गुजरात से जानकारी मिला कि जिन्होंने उसने गाय बार ना फोन की सेवा टीम से ना कोई हाल चाल मिला है। मोबाइल वगैरह खुला नहीं? खुला नहीं खुला। कोई नातेदारी रिश्तेदारी में कहीं फोन आया नहीं आया? फोन आया ना। इधर आ जाओ भैया। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सर मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, आपके गांव का एक लड़का श्रावस्ती। सर मेरा चाचा है। कैमरे की तरफ देखिए, बताइए आपके चाचा हैं? जी जी। उम्र क्या होगी और हुलिया रंग वगैरह कैसा है? सावले रंग के हैं जी। तो क्या लगता है आपको गुजरात में क्या हो गया, कुछ जानकारी मिली? अब सर जी यही फोन वगैरह नहीं पकड़ रहा है, मतलब वहाँ ढाबे से मतलब गया था मतलब सामान लेने के लिए, तो वहाँ के लोग मतलब कुछ बता रहे हैं कि सामान लेने का था वहीं से मतलब सामान लेते हुए मतलब ना वहाँ ढाबे पे आया और ना कहीं गया सर गुजरात में। अच्छा जी। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, गुजरात में मेरे बहुत फॉलोवर हैं। जी जी। गुजरात में जो मेरे फॉलोवर हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप सामने उनसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मिल जाए, इनाम भी रखा गया है, ढूंढने में मतलब कामयाबी हासिल हो। तो ये पूरे परिवार के लोग, यहाँ तक कि पूरे गांव के लोग मेरे पीछे इकट्ठा हैं और इनका बस यही कहना है कि जितने भी श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच या इस देवीपाटन मंडल के लोग परागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पर रह रहे हैं और जिनको दिल्ली दरबार ढाबे के बारे में जानकारी हो, उस क्षेत्र में आप लोग तलाश कर लीजिए और अगर कहीं भी लड़का मिलता है तो आप लोगों को उचित इनाम भी दिया जाएगा।